मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा। पहले डॉक्टर संतोष से मैडम ने कांटेक्ट किया, हम लोग मिलना चाहते हैं। वो बोला हम नहीं आप लोग से मिलना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। एक तरफ प्यार के महीने की शुरुआत हुई है, लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं इस वक्त एक हाई प्रोफाइल कहानी सामने आई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के कटिहार जिले की है, जहां पे डॉक्टर दंपति का ये मामला उजागर में आया, जिसमें डॉक्टर ने अपने पति पे गलत तरीके से अफेयर करने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि शादी हुई है, बेटा भी है, लेकिन इसके बावजूद 5 साल से उसका पति यानी कि जो डॉक्टर है वो किसी और के साथ संबंध में है। हालांकि इस बात को मानने से डॉक्टर साफ इनकार कर रहा है और यही वजह है कि ये घर में चल रहा विवाद अब सड़क पर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या है ये पूरी कहानी, आखिर किस तरह से बिहार के कटिहार से ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि प्यार के मौसम वाले वैलेंटाइन सप्ताह में कटिहार से प्यार में तकरार वाले एक हाई प्रोफाइल कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहानी में दोनों किरदार पेशे से डॉक्टर हैं और फिलहाल डॉक्टर दंपति के प्यार में नोकझोंक की कहानी अब सड़कों पे नजर आ रही है। इसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने वाले डॉक्टर संतोष की पत्नी, जो खुद भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, वो अपने पति पर 5 साल से उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि बेटा होने के बावजूद इस रिश्ते को वो उसका पति नहीं निभा पा रहा। बता दें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रेणु प्रभा इन आरोपों के साथ डॉक्टर संतोष पर किसी और के साथ रिश्ता होने का शक जता रही है और इसी को लेकर ये पूरा मामला उजागर में आया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उस महिला डॉक्टर का, किस तरह से वो अपने पति पे आरोप लगा रही है, पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा। पहले डॉक्टर संतोष से मैडम ने कांटेक्ट किया, हम लोग मिलना चाहते हैं। वो बोला हम नहीं आप लोग से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग को मजबूरन यहाँ पता करके कौन से रूम में है पता करना पड़ा सीक्रेटली, तब क्योंकि अगर हम लोग वही मेरे ये मतलब पति है मेरे हस्बैंड है मेरे, ठीक है। तो हम लोगों को पता, ये जो उसको पता ना चले, हम लोग यहाँ पर सीक्रेटली आना पड़ा, नहीं तो वो भाग जाता। 5 साल से वो हमसे फेस नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि हम उसे एक ही बात पूछते हैं जो तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो वो है ना कुछ बोलता नहीं है, कहता जो हमको साथ नहीं रहना है, वो हम लोग का एक नहीं है सोच, तो है ना अलग अलग रहो। तो ये कोई तो ये शादी क्यों किया? आप क्या हैं, कहाँ पर हैं आप, क्या पढ़ते हैं? दरभंगा में हम हैं MS गायनी। अच्छा, दरभंगा में। हाँ हाँ। तो ये आप लोग का लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। अच्छा, तो क्यों डिस्प्यूट क्यों हुआ, क्या है डिस्प्यूट का कारण, कुछ आपको समझ में आ रहा है? दोनों में मैरिज रिलेशन में डिस्प्यूट क्यों हुआ? डिस्प्यूट कुछ नहीं हुआ है, वो बस प्लान कर लिया है एक तरफा जो हमको नहीं रहना है इसके साथ। अब क्यों इसी के लिए हम इन लोगों को लेके आए थे कि जो वो रीजन दे प्रॉपर, जो ये क्यों नहीं चाहता है मतलब इस शादी को आगे ये करना बढ़ाना। बस क्या करेंगे, आज भेंट हुई है ना? भेंट इतनी आसानी से नहीं हुई है, उसको हम लोग को ये पहले तो वो मिलना नहीं चाहता था, तो फिर ये लोग फिर हम लोग सीक्रेटली हम लोग यहाँ पहुँचे, कौन से रूम में है पता करके पहुँचे, तो फिर यहाँ जो भी फैकल्टी और मेंबर है वो लोग ये हम लोग के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया, सहयोग किया नहीं किया। कटिहार मेडिकल कॉलेज बिल्कुल सहयोग नहीं किया, पिछले बार भी नहीं किया था। पिछले बार हम यहाँ के डायरेक्टर तक पहुँच गए थे, डीन तक, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। इसीलिए हमको इस बार इन महिलाओं को लेके आना पड़ा। इस बार भी सारे फैकल्टी यही मतलब कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टे हम लोगों को बोले कि आपकी हिम्मत कैसे हो, तो हम बोले जो हिम्मत नहीं हुई सर, हम लोग को आना यहाँ पे। किनका सहयोग लिया आप, किन
लोग के साथ आए हैं आज? वो हैं मेरे एक नून हैं, उनके साथ आए हैं। क्या क्या नाम आपका, परिचय दीजिए। मेरा रेनु, डॉक्टर रेनु, हम भी एक डॉक्टर हैं। इसका देखें इडियट ओपीडी है, ओपीडी का डिस्कार्ड किया था, ठीक है। आप लोगों को तभी से बोल रहेगा, खाली बटा है, इसको आप लोग बैठ के सुनाइए। ये किसी को बात नहीं आ रहा सर, ये आप दे रहे हैं पुलिस का बता रहा है सर, आप बोला तो मत है, ये भागते फिर रहे हैं चार साल से, किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं, मजबूरी से हमें यहाँ आना पड़ा। हम अपना सामान सरा रहे हैं, नहीं चल रहा है दिल्ली, छूट गया काम मेरा, तू मैं कह रहा हूं मेरा सिलेक्शन हो, मेरी माँ वहां पे, बाकी लोग हैं, I'm shocked, कि किताब छूट गया, किताब इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी फ्लाइट दो घंटे के बाद है, इसलिए हम नए किताब पर पढ़ेंगे, ट्रेन में बैठे, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको इंटरप्ट करेंगे, हाँ जी, कलकत्ता से हम लोग को आना पड़ा इमरजेंसी में, एक्चुअली में रेनू जी काफ़ी सफ़र कर रही थी, डॉक्टर संतोष कुमार डॉक्टर है यहाँ मेडिकल कॉलेज में, और वो काफ़ी दिन से, चार साल से लगभग रेनू जी को वो छोड़े हुए हैं विदाउट रीज़न, तो एक्चुअली हम लोग मिलने के लिए काफ़ी इच्छुक थे, उन्हें फ़ोन पर भी बात हो रही थी, तो वो फ़ोन पे डिनाई करते जा रहे थे कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, तो आज नहीं मिलने की वजह से हम लोग को यहाँ सडन आना पड़ा उनके डिपार्टमेंट में और उनसे मिलना पड़ा, तो इस बीच में उनसे बातचीत हो रही थी, हालांकि माहौल थोड़ा गर्म भी हुआ था, लेकिन उस बीच में वहाँ के जो मैनेजमेंट लोग आए, टीम आए, और उन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी सलीके से बात नहीं किया, जो भी बोल सकते हैं, और वो हमारे साथ कॉपरेट भी नहीं किए, और जहाँ तक बोलेंगे संतोष कुमार जो डॉक्टर हैं उनको उन लोगों ने प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, तो गलत सर गलत होता है कि कोई भी हो तो गलत चीज़ को तो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, तो यही हमारा डिमांड है कि सही का सपोर्ट करें, और यही हम चाहते हैं। आप लोग का तो बात नहीं बन पाया, आगे क्या करेंगे? बात बन नहीं पाया ये नहीं बोल सकते, हम लोग के आने से इंस्टेंट ये संतोष जी, डॉक्टर संतोष जी ने ये डिसीजन लिया है कि अब रेनू जी को वो लीगल प्रोसेस में डिवोर्स देंगे, जो कि वो शुरू से उनके मन में था, लेकिन अभी ये जो इतना कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट ये डिसीजन लिया, वो भी किसी के बहकावे में ही लिया है, तो वो ये चीज़ सही नहीं है, अगर खुद का है भरोसा तो खुद ही डिसीजन लेना चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। मैं मनीषा गुप्ता, महिला विकास मंच वेस्ट बंगाल टीम। तो बता दें कि महिला डॉक्टर की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसका पति 5 साल से उसे नजरअंदाज कर रहा है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन इसके बावजूद उसके संबंध अपनी पत्नी के साथ अच्छे नहीं है, और वो अपने हॉस्पिटल में ही किसी और महिला डॉक्टर के साथ रिश्ते बना रहा है, जिसको लेकर ये हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपति की कहानी सामने आई। हालांकि अगर हम बात करें तो महिला डॉक्टर भी पेशेंट से डॉक्टर है और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काम करती है, ऐसे में ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा कटिहार में देखा गया है, जहां पे घर में चल रहा विवाद अब सड़कों पे आ चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।